हाय गाइस, होप यू ऑल आर वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सवनानी। और अगर आप लोगों ने खरीद लिया MC88, जैसे कि मेरे पास अभी यहां पे है राइट नाउ, एक वन ऑफ द बेस्ट कैमकॉर्डर है, मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूं अंडर बजट कैटेगरी के अंदर बिकॉज ऑफ इसकी USPs। मैंने बेसिकली इसका एक पूरा रिव्यू वीडियो बनाया तो वो ऑलरेडी आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है अबाउट इसकी सेटिंग्स के ऊपर है कि आप कैसे इसे सेटअप कर सकते हो अगर आपने इसे फर्स्ट टाइम खरीदा है। इसके पूरे मेन्यू को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा। अगर आपने कैमरा खरीदा है तो इतना तो वीडियो देखना बनता ही है, क्योंकि आपको सारे मेन्यू के बारे में मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना वक्त गवाए अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, तो दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैमरा में पीछे की तरफ आपको एक जॉयस्टिक देखने को मिलता है, राइट? अगर आपको मेन्यू को अप एंड डाउन या फिर आपको अपनी शटर स्पीड और अपर्चर को चेंज करना है तो यहाँ पे इस जॉयस्टिक के थ्रू किया जा सकता है। ये जॉयस्टिक बेसिकली आपके मेन्यू को अप एंड डाउन करने के लिए, आपके जितना भी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इस जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे शटर स्पीड अपर्चर वाले सारे तीनों बटन मिल जाएंगे। शटर स्पीड का है, अपर्चर का है और आपका ISO का है। इसके साथ साथ मेन्यू का बटन आपको मिलता है और यहाँ पे नीचे की तरफ एक टॉलर बटन और दे रखा है। अगर आप लोगों को इन केस ऑफ दैट जॉयस्टिक से अपनी शटर स्पीड अपर्चर को नहीं कंट्रोल करना, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉलर और आपको मिल जाता है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इसे कमांडर डायल के नाम से भी जाना जाता है। पीछे की साइड में आपको ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाएगा, स्विच मिल जाएगा। तो अगर आप ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ रियली ग्रेट, आप ऑटो पे स्विच कर दीजिए, कैमरा ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा। और अगर आप मैनुअली सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सेटिंग्स को, तो देन मैनुअल पे ऊपर स्विच कर लीजिए, कैमरा जो है वो मैनुअली सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। के बाद में अगर आपको वीडियो में जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पे आपको जूम टॉलर मिल जाते हैं, और साइड में जैसे ही आप स्क्रीन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको और बाकी सारे बटन्स देखने को मिलेंगे, लाइक वाइट बैलेंस, डिस्प्ले, कस्टम बटन्स दे रखे हैं आपको, स्टेटस मेन्यू दे रखा है, पिक्चर प्रोफाइल का बटन दे रखा है। तो आप इन बाकी सारे बटन्स को 1, 2, 3 वाले बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी मनचाही सेटिंग्स में। इसके साथ साथ में आपको 4, 5 और 6 नंबर के भी बटन मिलते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सेटिंग्स में, जिस सेटिंग्स में आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो। तो आपको अगर इस कैमरा को ऑन करना है तो इसके ऑन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कैमरा की स्क्रीन को ओपन कर लीजिए और कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। बट अगर आप स्क्रीन को बंद करके इसे ऑन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो ये आपको व्यू फाइंडर दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली एक डिजिटल व्यू फाइंडर है, तो उसको जैसे ही आप खींचेंगे तो आपका जो कैमरा है वो अगेन ऑन हो जाएगा। और ये बेसिकली ऊपर और नीचे भी होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खींच के ऐसा मत सोचिएगा कि आपने इसको तोड़ दिया है, टूटा नहीं है। अगर आपको उसको ऑन करना है व्यू फाइंडर को, तो आपको उसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। इस व्यू फाइंडर में आई सेंसर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही आप देखेंगे तभी व्यू फाइंडर काम करना स्टार्ट करेगा, वरना जो है व्यू फाइंडर बैटरी सेविंग के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है बहुत। सिमिलरली अगर आपने डिस्प्ले ओपन करा हुआ है और डिस्प्ले को आप बंद करना चाहते हैं और व्यू फाइंडर में देखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया इसमें आई सेंसर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है। व्यू फाइंडर में देखेंगे तो व्यू फाइंडर चालू हो जाएगा और स्क्रीन बंद हो जाएगी, और स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन चालू हो जाएगी, व्यू फाइंडर बंद हो जाएगी। दैट इज़ रियली गुड ऑप्शन। देन यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आप माइक्रोफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो। XLR वाले माइक्रोफोन आप इस पर डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेडिकेटली 3.5 जैक का भी पोर्ट मिलता है, तो आप इसमें भी माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकेंगे अगर आपके पास में एक लो कॉस्ट का लेवलर माइक्रोफोन है। तो अब मैं आपको बेसिकली मेन्यू दिखा देता हूँ। मेन्यू में हम लोग समझते हैं कि मेन्यू जो है वो उसका कैसे काम करता है, सेटिंग्स जो है बेसिकली वो कैसे काम करेंगे जब आप मेन्यू के थ्रू से मैनेज करेंगे। सो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरा की स्क्रीन, और स्क्रीन पे अभी बेसिकली क्या क्या दिख रहा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कैसे इन चीज़ों को चेंज किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को एलैबोरेट कर सकूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ है, दैट इज़ वो दिख रहा है आपको बैटरी लेवल। तो कैमरा का अभी 59% का बैटरी है। इसके अलावा जो है स्टडी मोड आपको दिख रहा है, ए स्लॉट में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तो ए लिखा आ रहा है, मतलब मैंने जो मेमोरी कार्ड है वो ए स्लॉट में लगा रखा है। और जो मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ 266 मिनट की ए मेमोरी कार्ड में। तो इसमें 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ए और बी। अगर आपने बी लगाया होगा तो बी में दिखाएगा, ए लगाया होगा ए में दिखाएगा, और दोनों लगा रखे होंगे तो दोनों का रिकॉर्डिंग टाइम है आपको दिखाएगा। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो मैंने अभी रखा हुआ है वो रखा हुआ है AVC HD 1080 50i, राइट? तो सबसे पहली चीज होती है चेक करने वाली कि आपने अपना रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या रखा हुआ है, राइट? जब आप बाय डिफॉल्ट इस कैमरा को खोलेंगे तो आपको 1080 50i देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे चेंज होता है आगे वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पिक्चर प्रोफाइल P4 रखा हुआ है, ठीक है? स्टेबलाइजेशन वाला जो मोड है वो स्टैंडर्ड पे है। इसके साथ में फेस रिडक्शन ऑटो फोकस ऑन है, और जो मेरा अपर्चर है वो 3.1 है अभी, ISO मेरा जो है DB या ISO जो हम बोल सकते हैं वो 0 है, और शटर स्पीड 50 है, राइट? और जो ISO है वो जो वाइट बैलेंस है वो आउटडोर लेवल पे है। और इसके अलावा ऑडियो के लिए मैंने अभी कोई माइक्रोफोन इसमें नहीं कनेक्ट करेगा, तो ऑडियो जो है वो अभी 0 हुआ है।
चैनल वन चैनल टू जो है अभी ब्लैंक दिखा रहा है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अगर आपको इंटरनली माइक्रोफोन को ऑन करना हो तो वो कैसे होता है अगर आपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन को नहीं कनेक्ट करा हुआ। सो जैसे ही मैं मेन्यू के बटन को प्रेस करूंगा आप लोगों को जो है वो मेन्यू ओपन होता हुआ दिखाई देगा, राइट। सो मेन्यू में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी है जैसे मैंने बताया था आपका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को यू नो चेंज करना होगा। तो अभी जो है 50i पे है और मैं 50i कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप 50p पे इस कैमरा को सेट कर लीजिए। आई जो है वो इंटरलेस टेक्नोलॉजी है और कई बार जब हम लोग पैनिंग शॉट लेते हैं तो उसमें यू नो लाइन जो है वो आपको दिखने लगती हैं जो कि बहुत ही ख़राब इफेक्ट डालती है वीडियो में, इसलिए मैं पी रेकमेंड करूँगा। कुछ मॉनिटर्स पे पी रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता HDMI आउटपुट पे, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा हो तो आप आई पे रख दीजिएगा कैमरा को तो HDMI आउट आना लग जाएगा। बाकी अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं 110% 1080p बोलूंगा आप उसे रखिए। तो आपको सिंपली रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आना है, आपको ये जो मेन्यू है वो दिखेगा इस तरीके से, आपको कैमरा सेट मेन्यू दिखेगा, रिकॉर्डिंग सेट आउटपुट वाला दिखेगा, ऑडियो सेट दिखेगा, डिस्प्ले सेट दिखेगा, टाइम कोड दिखेगा और अदर्स दिखेगा। तो हम लोगों को यू नो सबसे पहले आना है रिकॉर्डिंग सेट में। यहाँ पे मुझे मेरे फ्रेम रेट को 1080p पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है आप मेरा जो कैमरा है वो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग करेगा ना कि इंटरलेस स्कैनिंग, राइट। तो ये एक सेट कर लिया, राइट। साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपने दो मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं अपने कैमरा में और आप चाहते हैं कि आपका कैमरा बैकअप वीडियो रिकॉर्ड करे सेकंड मेमोरी कार्ड के अंदर, मतलब दोनों मेमोरी कार्ड में सेम ही फुटेज बने, तो आप साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसे आप ऑफ रखिए, ऑफ रखना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें रिले रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। रिले रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जैसे एक मेमोरी कार्ड फुल होगा तो दूसरा मेमोरी कार्ड यू नो उसमें वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगा, बीच में वीडियो जो है आपकी स्टॉप नहीं होगी। तो मैं बेसिकली रिले को ऑन करके रखता हूँ, साइमल्टेनियस इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये। और कई बार जब हम लॉन्ग वीडियो शूट करते हैं तो डेटा स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, यहाँ पे वीडियो बीच में स्टॉप नहीं होता। देन यहाँ पे वीडियो आउटपुट का है तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम लोग अभी कैमरा सेट के ऊपर चलते हैं और कैमरा सेट से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका ISO शटर स्पीड कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको सिंपली बटन के ऊपर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको एक अपर्चर वाला बटन दिखेगा, आयरस वाला बटन दिखेगा। जैसे आप इस पर हिट करेंगे तो आपका कैमरे का जो आयरस है वो आप यू नो घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा कैमरा जो है वो जूम इन पे है तो मैं 2.8 नहीं कर सकता, जैसे मैं जूम आउट करूँगा तो मेरा कैमरा जो है वो 2.8 अपर्चर पे भी चले जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैमरा जो है वो वेरिएबल यू नो अपर्चर पे आता है, तो आप जैसे ही जूम इन करेंगे तो आप जैसे ही आप मैक्सिमम जूम पे चले जाएंगे तो आपका अपर्चर 5.6 से नीचे नहीं जाएगा, और अगर आप यू नो सबसे ज़्यादा वाइड पे रहेंगे, सबसे ज़्यादा कम जूम पे रहेंगे तो इन केस ऑफ दैट आपका जो अपर्चर है वो 2.8 तक चले जाता है। तो कई बार यू नो लो लाइट के अंदर ही बहुत बेनिफिशियल रहता है 2.8 अपर्चर। अगर आप जितना कम अपर्चर पे काम करें उतना ज़्यादा बेटर यू नो रिजल्ट आपको यूजुअली अपने वीडियो में देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डे लाइट में इसे बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होता है। बट अगर आप इस टाइप से रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसे सबसे कम नंबर पे यू नो सिलेक्ट करके रखें। DB वाला जो पार्ट है या ISO वाला जो पार्ट है, जैसे आप बटन पे प्रेस करेंगे कैमरा जो है उस पर्टिकुलर मेन्यू को सिलेक्ट कर लेगा, देन जॉयस्टिक की मदद से हम ऊपर नीचे करके यू नो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो देन अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको 18 DB से ऊपर ना लेके जाया जाए। DB जो होता है या ISO जो, इसको ISO भी बोलते हैं, DB भी बोलते हैं, ये बेसिकली आपके सेंसर की सेंसिटिविटी होती है। हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाइट को यू नो बढ़ाते हैं अपने कैमरा में, और जितनी ज़्यादा ये बढ़ाई रहती है उतनी ज़्यादा वीडियो में नॉइज़ आना स्टार्ट होती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि मैक्सिमम 18 DB तक आप इसे यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं जाए वरना आपके वीडियो में जो है नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट जो है वो है शटर स्पीड। तो अगेन आपके पास बटन है, जैसे आप बटन पे प्रेस करेंगे आपका कैमरा जो है वो शटर स्पीड को सिलेक्ट कर लेगा, एंड देन शटर स्पीड को यू नो कम ज़्यादा किया जा सकता है जॉयस्टिक की मदद से। यूजुअली जो है वो 50 शटर स्पीड या 100 शटर स्पीड को प्रेफर किया जाता है। अगर आप इंडोर में हैं तो आप इस तरीके से 50 रख सकते हैं, और अगर आप आउटडोर में हैं तो आप 100 या उससे अबव भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट सिचुएशन। इस कैमरा में बिल्ट इन ND फिल्टर भी है, बैक साइड में आपको ND फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो आप ND फिल्टर के स्विच से अगर आप डे लाइट सिचुएशन में हैं और इन तीनों चीज़ों से काम नहीं हो रहा, आपका वीडियो अभी भी ओवर एक्सपोज्ड है, तो आप ND फिल्टर को यूज़ करके, जैसे देखिए मैंने ND फिल्टर का स्विच ऑन करा तो आप देखेंगे ND A N1 स्टार्ट हो गया, N2 स्टार्ट हो गया, N3 स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये लाइट को जो है वो कम ज़्यादा करने के काम में आता है। और ये बेसिकली आपको बोलूँ तो कैमरा में बिल्ट इन सनग्लासेस डाले हुए हैं, जिसको आप यू नो सनग्लासेस को जैसे ही आप ऊपर करेंगे एक स्टॉप, टू स्टॉप और थ्री स्टॉप, तो जो ग्लास का लेवल है वो डार्क होता जाएगा और जो है लाइट कटती चली जाएगी। तो बेसिकली DSLRs में आपको ऊपर से लगाना पड़ता है लेंस के, बट इन टाइप के कैमकॉर्डर्स में आपको बिल्ट इन मिल जाता है, तो आप डे लाइट में ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा।
नाउ हम मेन्यू में अगेन चलते हैं। एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो होता है वाइट बैलेंस को लेकर के। तो जैसे ही मैं वाइट बैलेंस के बटन को अभी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है आउटडोर लेवल का, एक होता है ए और बी का। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इसको आउटडोर लेवल से हटा के केल्विन पे सेट कर लीजिए। वो कैसे सेट होता है, आपको मेन्यू में आना है, यहाँ पे कैमरा सेट वाले मेन्यू में आना है। कैमरा सेट मेन्यू में आके आपको यहाँ पे जो वाइट बैलेंस प्री सेट है उसको सेलेक्ट करके उसको आउटडोर और इनडोर से हटा करके उसको मैनुअल टेम्परेचर सेट पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मैनुअल टेम्परेचर सेलेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है वाइट बैलेंस टेम्परेचर सेट का यूज़ करके। तो अब यहाँ पे आप केल्विन डिग्री का यूज़ करके अपने वाइट बैलेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं वापस बाहर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे केल्विन डिग्री दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, और केल्विन डिग्री जो है वो अंदर मेन्यू में जाकर के ही चेंज की जा सकती है, बाहर से कंट्रोलेबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप स्टिल वाइट बैलेंस से हैरान परेशान है और आपको नहीं समझ आता कि वाइट बैलेंस कैसे सेट किया जाए, तो सिंपली आप वाइट बैलेंस वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस पे चले जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वाइट बैलेंस की जो लेवल है वो नहीं लिखे आ रहे, इसका मतलब है कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस को पिकअप करेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप यू नो इसको ए और बी और आपको बैंक मिलते हैं और साथ में केल्विन डिग्री मिलता है तो उसका यूज़ करके भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं वाइट बैलेंस को। नाउ अगेन मेन्यू में जाऊं, यहाँ पे मुझे ISO गेन सेटिंग्स मिलती हैं। तो बेसिकली अगर आप गेन वाले नाम से फेमिलियर हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ISO वाले नाम से फेमिलियर तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका कैमरा जो है वो अब ISO दिखाने लग गया, आपको दिख रहा होगा, और अगर आप इसे गेन सेलेक्ट करेंगे तो गेन दिखाने लग जाएगा। दोनों ही सेम ही काम करेंगे, बस नाम चेंज करने के लिए बेसिकली काम आता है, ठीक है। फिर आप लिमिट डाल सकते हैं, लिमिट बेसिकली होती है कि ऑटोमेटिक में कितनी लिमिट रहेगी, तो मैं आपको मना करूंगा इसको ना छेड़ें। वाइट बैलेंस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑटो एक्सपोजर शिफ्ट आप इसको 0 EV पे रखें, ज़्यादा छेड़े ना इसको। डिजिटल एक्सटेंडर ये बेसिकली जूम की रेंज को बढ़ाता है, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा और जूम की ज़रूरत है, कैमरा में जो बिल्ट इन जूम है ठीक है पर उससे ज़्यादा और जूम आपको चाहिए, तो आप डिजिटल एक्सटेंडर को ऑन कर सकते हैं, बट ये आपकी क्वालिटी पे इंपैक्ट डालेगा, तो ये बस इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसे यूज़ करें। इसके बाद जूम सेट है, तो बेसिकली आप जूम की स्पीड को यू नो कंट्रोल कर सकते हैं कि हैंडल पे कितनी जूम की स्पीड होनी चाहिए, और आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन यहाँ पे स्टडी शॉट है, यानी बिल्ट इन एक्टिव स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो अभी स्टैंडर्ड है। अगर आप हैंड हेल्ड वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा इसे एक्टिव पे डाल दें, वीडियो थोड़ी सी क्रॉप हो जाएगी पर जो वीडियो में शेक है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप इसको यू नो प्रेफर कर सकते हैं। देन फोकस एरिया है, तो एक जो कॉमन चीज़ है मुझे कॉमनली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो सबसे बेसिक सेटिंग है जो यूजुअली लोगों को नहीं समझ आती है, ये कैमरा टच स्क्रीन है और टच पे केवल फोकस पे ही काम करता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टच कैसे स्टार्ट होता है, ऑटो फोकस टच कैसे स्टार्ट होता है, तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको फोकस एरिया मोड को वाइड रखना है, फोकस ड्राइव स्पीड को आपको फास्ट रखना है, आपको फोकस सब्जेक्ट ट्रैकिंग को वाइड रखना है, और जो ट्रैकिंग सेंसिटिविटी है उसको आपको रिस्पॉन्सिव रखना है। ये चार सेटिंग आपको करनी है, उसके बाद आपको मेन्यू से बाहर आना है, आपको डिस्प्ले सेट वाले मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। डिस्प्ले सेट वाले मेन्यू में आने के बाद में आपको यहाँ पे फोकस डिस्प्ले को जो है वो मीटर पे रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो फेस डिडक्शन AF फ्रेम है इसे आपको ऑन करना पड़ेगा, और जो फेस डिडक्शन एरिया है इसको ऑन करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब आप देख सकेंगे आपके कैमरा में जो है वो पॉइंट्स ऑटो फोकस पॉइंट्स आना स्टार्ट हो चुके होंगे, तो मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लाइट है कम ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं अभी ऑटो फोकस पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो आप जैसे जैसे इन पर टच करेंगे वैसे वैसे ऑटो फोकस जो है ना शिफ्ट होगा, तो ये जो है टच स्क्रीन पे तभी काम करेगा जब ये ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको कैमरा पे दिखाई देंगे, और ये तभी दिखाई देंगे जब आप यू नो इसको ऑन करेंगे मेन्यू में जा करके। तो आप ये एक सेटिंग ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने इस कैमरा को नया नवेला खरीदा है, ठीक है। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैमरा मेन्यू में फिर चले जाते हैं, हमने ऑटो फोकस भी समझ लिया है, स्टडी शॉट यहाँ तक हम सब समझ चुके हैं। लॉक ऑन AF को आप ऑफ रखिएगा, मैं रेकमेंड करूँगा। इसके अलावा फेस डिडक्शन AF को भी आप ऑन रखिए, ऑफ रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वीडियो में कई बार। ऑटो फोकस मोड सेट, अगर आप इसको ऑटो पे रखना चाहते हैं तो ऑटो पे रखिए। इंटेलिजेंट ऑटो मोड है, सीन सिलेक्टर है, तो ये बेसिकली अगर आप ऑटो मेन्यू ऑटो मोड पे अगर आप वीडियो शूट करें तो यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नाइट लाइट का ऑप्शन मिलता है, आप नाइट शूट का ऑप्शन मिलता है, आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऑटो बैक लाइट का ऑप्शन मिलता है, इसे आप ऑफ ही रखिए। कलर बार काफ़ी लोगों के नहीं काम आती है। और एक ये पिक्चर प्रोफाइल का ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो इसमें आपको 6 प्रोफाइल मिलती हैं अलग अलग, ठीक है। और मैं बेसिकली ऑफ पे ज़रा शूट करना पसंद करता हूँ,
बाकी अगर आप चाहें तो इसमें सबसे पहली प्रोफाइल है दैट इज स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी प्रोफाइल है स्टिल, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी वीडियो बना के देती है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रोफाइल जो है, चौथी प्रोफाइल जो है वो बेसिकली रैक 709 है, और तीसरी प्रोफाइल भी आपको रैक 709 ही मिलेगी, तो इनमें से भी आप एक प्रेफर कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेड प्रोफाइल है स्टैंडर्ड या फिर स्टिल, इन दोनों में से आप एक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 6 और 7 पे आपको सिनेमा 1 और सिनेमा 2 भी मिल जाती है। तो अगर आपको अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग करनी है अपने वीडियो में, आपको फ्लैट वीडियो चाहिए, इन केस ऑफ दैट आप सिनेमा प्रोफाइल्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी पहला और दूसरा प्रोफाइल, इन दोनों में से आप आँख बंद करके कोई भी प्रोफाइल पर वीडियो शूट कर लीजिए, रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये हो गई सेटिंग्स जो मैंने यहाँ पे आपको मेजरली समझा दी। लास्ट जो है वो मैं ऑडियो को थोड़ा बहुत टच करूंगा कि ऑडियो में क्या क्या हम लोगों को चेंजेस करने हैं। अगर आपने ये हैंडल लगाया है तो आपका कैमरा जो है वो हैंडल से ऑडियो पिकअप कर रहा होगा, अगर आपने हैंडल पे माइक्रोफोन नहीं कनेक्ट किया अभी तक। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना होगा, ऑटो से हटा करके आपको इंटरनल माइक्रोफोन पे कैमरा को डालना पड़ेगा। अगर आपने ऑटो पे रखा है कैमरा को तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल से पिकअप करेगा माइक्रोफोन, और हैंडल पे अभी आपने कोई माइक्रोफोन नहीं लगा रखा तो इंटरनल माइक्रोफोन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, INT माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही देखेंगे अब मेरा जो है चैनल 1 चैनल 2 जो है वो ऑडियो का स्टार्ट हो गया है, राइट। अगर आपने लेवलर माइक्रोफोन लगाया है, लेवलर माइक्रोफोन यानी जो छोटा वाला जो माइक्रोफोन है फोन, तो उसके लिए आपको इसे जो है स्टीरियो मिनी माइक्रोफोन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टीरियो मिनी माइक्रोफोन सिलेक्ट करते ही जो लेवलर माइक्रोफोन है वो इस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको XLR माइक्रोफोन कनेक्ट करना है हैंडल पे, तो इन केस ऑफ दैट आपको MI शू माइक के ऊपर इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर कैमरा जो है वो XLR से ऑडियो पिकअप करना स्टार्ट करेगा। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिगनिंग में सब लोगों को इससे दिक्कत आती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं, उसे मैन्युअली आपको यू नो सिलेक्ट करना पड़ेगा सेटिंग्स में आकर के, कि क्या बेसिक सेटअप करना है जब आप फर्स्ट टाइम इस कैमरा को खरीदते हैं और आप जब से शूट करना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक सेटअप से जो मैं हमेशा हाईली रिकमेंड करता हूँ जब भी मैं कोई नया कैमरा खरीदता हूँ या किसी को समझाता हूँ कैमरा के बारे में, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करके और अपने वीडियो को यू नो स्टार्ट कर सकते हैं इस कैमकॉर्डर से शूट करना। और ये बहुत ही अच्छा कैमकॉर्डर है, काफ़ी अच्छे फीचर्स में आता है, तो डेफिनेटली आप इसे प्रेफर कर सकते हैं अगर आप एक बजट सेंट्रिक कैमकॉर्डर देख रहे हैं। सो दैट्स इट अबाउट इन दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे लिंक। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रॉक।